थाना बाबूगढ़ हापुड़ पुलिस ने मिशन शक्ति के पांचवें चरण के तहत महिलाओं और किशोरियों को जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चला रही है। बृहस्पतिवार को बाबूगढ़ थाना प्रभारी विजय कुमार गुप्ता के साथ कुचेसर रोड चौपला स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के प्रांगण में इस अभियान के तहत महिला पुलिसकर्मी स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जाकर पर्चे बांट 17 अक्टूबर को भी कई स्थानों पर यह अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। पुलिसकर्मियों ने कहा कि यदि किसी महिला को जरूरत पड़ती है तो वह तुरंत पुलिस को सूचना दे, जिससे कि त्वरित न्याय जा सके। पुलिसकर्मियों ने बताया कि अब महिला को अपनी समस्या लेकर थानों में जाने की जरूरत नहीं है। फोन करने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान करेगी। गांव में आयोजित चौपाल में भी महिलाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना की जानकारी दी जा रही है, जिनमें वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, डायल 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102 और एम्बुलेंस सेवा 108 शामिल है। महिला सुरक्षा स्वास्थ्य के लिए हेल्प डेस्क महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी थानों में महिला हेल्प स्थापित की गई है, जहां तैनात महिला पुलिसकर्मी पीड़ितों की समस्याएं सुनती और मामले का तुरंत समाधान सुनिश्चित किया जाता है। साइबर धोखाधड़ी के मामलों में भी सतर्क रहने की अपील की गई है। तो वही विद्यालय की साहसी बेटियां आत्मरक्षा के गुर सीखकर सशक्त और निर्भीक बन रही हैं। बेटियों को तितली नहीं मधुमक्खी बनाइए, जिनके पास पंख भी हो और डंक भी हो। शहद जैसी मिठास से भरपूर किंतु जरूरत पड़ने पर मुंह सुझा देने की क्षमता रखने वाली बेटियां न कि केवल खुद की बल्कि समाज की रक्षा करने में सक्षम हो। हापुड़ से पंकज उपाध्याय की देखिए खास रिपोर्ट। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।